वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा कहा करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं उम्मीदों पर आज एक और आपकी क्लास, जीरो लेवल की क्लास, सुबह के 5 बजे हर दिन भोर में ही एक उम्मीद की क्लास, जिससे आपकी खोई हुई उम्मीदें भी लौट करके आ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, घिसने से तो पत्थर भी घिस जाता है। तो चलिए आज हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अक्सर आपके हाई स्कूल की एग्जाम में या फिर उससे छोटे की परीक्षाओं में, यानी कि कम क्लास की परीक्षाओं में, ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कोई त्रिभुज दिया होता है, उनकी कुछ भुजाएं आपको दी गई होती हैं और कुछ भुजाएं निकालनी होती हैं। जैसे इस त्रिभुज में एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, बीसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो पूछा गया एसी की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क लगा है। मतलब कि अगर देखें तो ये आधार है और ये लंब है और ये है कर्ण, यानी हमें आधार और लंब दिया है और कर्ण पूछा गया है। तो कैसे करते हैं, बचपन में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उसे जल्दी से मनन करिए, थोड़ा सा चिंतन करिए, और उसके पहले अगर आपको आ गया जिनको जिनको ऑप्शन, कमेंट करें फटाफट, व्हाट इज द एसी का वैल्यू, मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि हमें एसी की वैल्यू फाइंड करना, निकालना है। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही होगा, एसी 7 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है कि 5 सेंटीमीटर हो सकती है। तो हम बात करते हैं, आइए, मतलब कि एसी का स्क्वायर इक्वल एबी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर, ये जो मैं लिख रहा हूं बहुत से लोग समझ गए होंगे क्या है ये। इसे अगर शुद्ध हिंदी भाषा में लिखूं तो कहा जाता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग पर बने योग के बराबर होता है। जी हाँ, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो रख दो ना मान फटाफट, एसी का मान क्या है, एसी तो कुछ है ही नहीं, तो निकालना है तो इसको हम लिख देंगे एसी आधार का स्क्वायर अर्थात एबी का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बीसी, ओ सॉरी एबी की वैल्यू 3 नहीं थी बाबू, ध्यान दीजिएगा एबी 4 थी, तो यहां आप 4 रखेंगे और ये है 3, बस आपका आंसर आ गया। ये 4 जो का 16 हो जाएगा, ये 3 का 9, एसी का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 25। जब आप यहाँ एसी निकालेंगे तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ नीचे करके, वैसे उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलें आगे बढ़े, बस हो गया आंसर, अब आगे क्या बढ़ना है, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। वैसे भी आपको अनुमान लगाना था कि ए या फिर सी दोनों में से एक है सही होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा कर्ण जो है वो अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो अगर लंब 4 है आधार 3 है तो कर्ण जो है 4 से ज्यादा ही होगा, उससे कम कभी नहीं होगा, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। इसी में एक सवाल और मैं आपको दे देता हूं, अगर तो आप लोग जल्दी से बताइए तुरंत फटाफट कमेंट करके कितना आएगा, जल्दी से तुरंत देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आता है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में, या फिर यहां मुझे लिखना था एबीसी में, सवाल तब भी सही है, यहां मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया कितना 3 लिख दिया और यहां पे क्या लिख दूं 4। आप बताइए, पहले ये 4-3 था, मैंने 3-4 कर दिया, अब देखिए कुछ गड़बड़ हो गया होगा ना, ये 5 हो गया और ये ना 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। आगे सभी के आंसर, मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, अगर मैं इधर से कान पकड़ के खींचता हूं तब भी थोड़ा सा महसूस होगा ना, और अगर मैं इसी कान को ऐसे हाथ घुमा के पकड़ के खींचूं तब भी वैसे ही महसूस होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा कि ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बस वैसे इसमें भी है।
अगर मैंने इसमें 4 का स्क्वायर करके और 3 का स्क्वायर करके जोड़ा था ना, अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ, 3 का स्क्वायर पहले और 4 का स्क्वायर बाद में, और जोड़ता हूँ ना, जो मैंने 16 में 9 जोड़ा था तो 25 हुआ था, उसी में अगर 9 में 16 जोड़ेंगे तब वो 25 है होगा, मतलब उत्तर वही आएगा जो था। समझ गए ना? अगर आप चाकू को मारेंगे कद्दू पे तब भी कद्दू कटेगा, और कद्दू को मारेंगे चाकू पे तब भी क्या होगा, कद्दू ही कटेगा। अब आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार है ना? तो बस सेम टू सेम वैसे ही है। दूसरे सवाल पे हम आते हैं, यानी कि तीसरे सवाल पे। आप लोग इसको नोट कर लें जल्दी से, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको जिनको देखना है बहुत जल्दी करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज पर आधारित सवाल। जी हाँ, बहुत से मित्रों के सुझाव आते हैं कि कुछ वर्ड इंग्लिश में भी बोला करें, तो हमारी कोशिश रहेगी कि भाई इंग्लिश को भी यूज किया जाए। तो त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज को हमारे समझ से राइट ट्राइंगल बोलते हैं, है ना? तो क्वेश्चन में दिया है, इफ अ राइट ट्राइंगल है गिवेन, मतलब यदि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा, जिसमें कोण ए समकोण है, वो सॉरी कोण बी जो है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, कोण ए जो है वो कितना है 60 अंश का है, यानी कि इफ एंगल ए इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल 90 डिग्री देन फाइंड एंगल सी, यानी कि एंगल सी का वैल्यू हमें निकालना है, मतलब कोण सी का वैल्यू हमें निकालना है। ये क्या हो सकता है, यदि किसी त्रिभुज में कोण ए बी सी में से दो कोण दिए हैं, बी नंबर जो है वो 90 है, ए 60 है, तो सी का मान क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें। लगभग लोगों के उत्तर आ गए हैं। बचपन में आपने बहुत सारी परिमेय सिद्ध किया था, कक्षा 10 में 9 में, है ना? हो सकता है आप छोटी क्लास में हो तो आपने अभी नहीं किया होगा, लेकिन कर लेंगे जरूर। उसमें क्या करते हैं, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान 90 होता है, सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये बहुत सी परिमेय किया था ना बचपन में। अगर आप बड़े क्लास में हैं तो, छोटे क्लास में हैं तो बस देखते रहें, ये समझ ले होता है बस। देखिए, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल क्या होता है, 180 अंश होता है। ये तो सब ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या टिक दिए, इसे क्या बोलते हैं, काफी दिक्कतें हो रही होंगी। तो इसे बोलते हैं हिंदी में चूंकि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं देयरफॉर, और इसको हिंदी में बोलते हैं इसलिए, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, सो, हमारे समझ से यही बोलते हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश होता है, तो इनको तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए, तो हम जोड़ देंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी इक्वल 180 अंश। देखिए, आपकी खुशी के लिए मैं इसको अलग कर देता हूं, ये अलग लाइन है, समझ रहे ना, ये अलग है। देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी दीवार बना दिया, ठीक। अब कोण ए का मान 60 अंश है, कोण बी का मान 90 अंश है, और कोण सी का मान जो है वो कुछ नहीं है, तो हम निकाल लेंगे इसको, ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस सी इक्वल 180, और यहां से जब आप कोशिश करेंगे ना, तो 180 माइनस 150 घटाएंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा, और आप यहाँ प्यार से बोल सकते हैं कि ये 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बाध्यता है इसके पास। जैसे कि आप ऐसे समझ लें, आप 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, अगर घर में आपके कोई भी चीज आता है एक निश्चित मात्रा में, मान लेते हैं एक छोटी सी बच्चों वाली चीज चॉकलेट, ठीक ना, आपके घर में 4 लड़के हैं जिसमें से गोलू मोनू सोहन रोहन जो भी है, अपने हिसाब से समझिएगा, नहीं तो लोग शिकायत भी करने लगते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो उसमें से मान लेते हैं कि 4 लोग हैं। अब भाई घर में जो है कितना, 13 चॉकलेट आया, 13, 13। अब 13 में से एक को जो है वो 5 दे दिया गया और एक को 4 दे दिया गया,
ध्यान से समझिएगा, मैं मतलब की बात बता रहा हूं। चार लोग हैं, ठीक है ना, चार लोग हैं, और कितना था, 13 था, 13 था ना। और एक लोग को मान लेते हैं ये असमानता, जो असमानता बोलते हैं ना इसे, इनइक्वालिटी। तो एक को मान लेते हैं कि 2 दे दिया। अब जो एक बच रहा लास्ट में कहीं गया हुआ है, उसको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि उसके पास बाध्यता है भाई कि 2 ही बचा हुआ है, 2 ही बचा हुआ, टोटल तो 13 था ना। तो ये 5 4 9 2 11, 11 2 13, यानी कि लास्ट में 2 ही बचा है। अगर ये चाहे भी तो 5 नहीं पा सकते हैं, समझ गए ना। उसी तरह से ये जो त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर इसमें ऑलरेडी 2 दिए गए हैं, मतलब उनका हिस्सा बढ़ चुका है, तो ये लाख कोशिश करे बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उतना आएगा। अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो एक सवाल इसी पे और आप लोग बता दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं फट से, जल्दी करें। देखिए चौथा सवाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई सवाल नहीं लिखा, बस जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें। जी बिल्कुल, आप सोचते तो रहे ना कि क्या आएगा और लिखने वाले क्या हैं। ये एक मैंने त्रिभुज बनाया है, लगता है कि ये त्रिभुज ही तो है ना। ये P है, ये Q है, ये है R। इनका मैं नाम लिख देता हूं, अब की 60 नहीं शुरू करूंगा, 75 है ये, और ये है 80, ठीक ना। कितना आएगा? और ये जो है ना, ये निकालना है कोण आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने, ये है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए इसी पे आधारित, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, या फिर फाइंड द एंगल ऑफ आर, यानी कि कोण आर का मान निकालिए जल्दी से। हो गए सभी के कमेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अगर नहीं मजा आ रहा ना, तब भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो दवा होती है ना बाबू, कड़वी तो होती है लेकिन फायदेमंद होती है। आपने नीम की गोली कभी सुना होगा, नीम का तेल बहुत गंधाता है लेकिन फायदा बहुत करता है। तो बिल्कुल ये एडवांस मैथ में आता है, थोड़ा सा त्रिभुज वगैरह, तो हो सकता है इसमें कम मजा आ रही होगी। अभी मैं संख्या बताऊं, परिमेय संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, तो बहुत मजा आती है। और घास अगर बोर्ड मास का रूल बताने लगा ना, तो सोने में सुहागा हो जाता है। जी हाँ, तो बोर्ड मास का रूल क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि वो सब थोड़ा आसान होता है। हो गया ना इसका आंसर, लगभग लोग जान गए होंगे, मैं बताने वाला भी नहीं हूं। जो लोग नहीं जाने वो कमेंट करेंगे, और अभी ये लाइव जब खत्म हो जाएगी तो आपके सभी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। अभी हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो रही हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा हो रही होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत पढ़ते हैं आगे फटाफट। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बिना उत्तर दिए। जी हाँ, इसका कोई भी आंसर नहीं दिया आपको। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसका आंसर भी कुछ ऐसे ही आने वाला है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसमें। ये त्रिभुज पे आधारित नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। देखिए पहले तो ये सवाल का जवाब दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को किनारे रखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए इसको, इसी का छोटा ये पड़ोसी है। हाँ, तो आप लोग इसका जवाब सभी लोग बता लेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ऑप्शन आपके सामने जो है वो है एक्स की पावर 5, और दूसरा एक ऑप्शन है एक्स की पावर 7, तीसरा है एक्स की पावर 11, और चौथा है ना यक्स केवल। सभी की खुशी के लिए, सभी का ख्याल, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करें फटाफट, देर ना करें। हो गया, अगर आप इसको कर लिए ना, तो इसका मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, ये अगर मैं इसमें गुणा कर देता हूं तो क्या आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ना, बहुत ही अजीब सा है ये, अकेला है ये एकदम, और ये जो है ना 2 लोग के साथ में है, और सी वाला जो है वो तो अजीब सा है ये, और एक है डी, डी में नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, फिर हम 5 पे चलते हैं। हो गए सभी के जवाब। मैं आपको बता दूं, गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं, तो 9 2 11 हो जाएगा x की पावर 11, ये सही है। इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो x इंटू x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक घात जुड़ जाएगी। x का 1 में गुणा होगा तो x आएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस x आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, सी वाला सही दोनों में। तो चलिए थोड़ा सा लौट चलें पीछे, है ना,
ध्यान दीजिएगा और देखिए इसमें कैसे करेंगे समझने की कोशिश करिएगा, बस थोड़ा सा एक कदम बढ़िएगा उसके आगे तो आप चले ही चलेंगे। जी हाँ, अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आपके पीछे पूरा कारवां आता है, लेकिन अगर आप अपने जगह से नहीं उठते हैं ना तो कोई आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलता है कि भाई चल आगे तू, मैं आता हूं। देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो ये x की पावर 1 और ये 1 x की पावर 2 हो जाती है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप पिछली क्लास देखिए, नहीं तो कमेंट करिए, नंबरों पे कांटेक्ट करिए, सब कुछ बताया जाएगा। अब x का गुणा 2 में करेंगे, बीच में धन है, यहां भी धन है, तो ये धन हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये तो हो गया x का गुणा दोनों में। अब इस 1 का गुणा इस दोनों में करेंगे, क्योंकि बराबर का ख्याल रखना है सभी का। 1 का मल्टीपल x में होगा तो x हो जाएगा, और 1 का जब 2 में होगा तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए पूरा गुणा हो गया। अब ये x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 2x में 1x जोड़ देंगे तो ये 3x, और ये 2 का ऐसे 2 ही रहेगा। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। लेकिन लेकिन क्या कह रहा, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो उत्तर की जांच कीजिए। इसीलिए तो इसको मैथ बोलते हैं, कि आप इसमें सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी आपको कहा जाए कि दूध सफेद होता है, क्यों होता है, अब इसको आप प्रूव कर सकते हैं, साइंस की बात है फिलहाल, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर। लेकिन मैथ का सवाल है, आपको उत्तर दिया है तो आप बता सकते हैं कि ये किस क्वेश्चन का उत्तर है। सेम टू सेम वैसे जैसे किसी लड़के को देख करके आप बता दें कि ये किसका लड़का है, या फिर इस लड़के का पिता कौन है। ये भी होता है साइंस में, डीएनए टेस्ट होता है और उससे मालूम हो जाता है। अभी आपने देखा होगा एक इंटरनेशनल घटना हुई थी ना, ऐसे तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मालूम चलता है। किसी के लड़के से भी उसके मम्मी पापा का पता लग सकता है, और किसी मम्मी पापा से उसके लड़के का पता हो जाता है। तो सेम टू सेम इसमें भी वैसे होता है। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, आपको हमारी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी ना, लेकिन अगर इस बेस पे इसको समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है, और इसमें रखने पे जितना आए उतने मान इसमें रखने पर भी आना चाहिए, तब हमारा उत्तर सही है। नहीं तो आप सोच लीजिएगा आज से कि हम गलत पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं, तो जो ये आंसर आया इसको मैं साइड में रखता हूं, क्योंकि इधर जब मैदान खाली रहेगा तभी आगे चलेगा ना, किनारे कर दिए इसको, अब मैं मिटा देता हूं। x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है। पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं, x का मान 2 और y का मान, ओह गड़बड़ है भाई, इसमें मैंने x y दिया था ना, इसमें तो कहीं y है ही नहीं। सवाल तो मैंने बनाया था, बट ये सवाल बन नहीं रहा है। बनेगा ये कैसे, इसमें मिटा दीजिए y का, मतलब खत्म है। x बराबर 2, चलिए ट्राई करते हैं, बनता है सवाल कि नहीं बनता है, मैंने बनाया था वैसे फिलहाल, लेकिन ये सही होगा। x का मान 2 रखने पर जो यहां आएगा वही मान उधर भी आएगा, तो रख दो ना भाई, ये प्रॉब्लम क्या है। ये हो गया 2 1 3 और ये 2 2 4 हो गया, 12 आया ना, 12 ही इधर भी आना चाहिए। अगर कुछ और आया तो इसका मतलब गलत है, और गलत होगा तो भागिएगा मत, मैं सही करके दिखाऊंगा क्यों गलत है, कहां गलत था, सब कुछ सिद्ध होगा, बस आपके सामने होगा, सब कुछ बिल्कुल लाइव है, इसमें नो चेंजिंग है, नो एडिटिंग। x का स्क्वायर जो है ना, इस पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 और प्लस ये 2। देखिए 2 का घात 2 का मतलब हुआ 2 दूना 4, पहाड़ आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कमेंट करिएगा। 3 दूना 6 और प्लस ये 2, जोड़ दीजिए 6 4 10 2 12। देखिए आप डंके की चोप पे बोल सकते हैं ना कि 12 आ रहा दोनों में, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, और हम सही पढ़ाते हैं, आप रोज पढ़िएगा, ठीक ना, समझ गए ना, सिद्ध हो गया ना, यानी कि उत्तर की जांच हो चुकी है बिल्कुल। अब आपके सामने रिपोर्ट भी आ चुकी है, आप इसे अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है, निसंकोच ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी pbrstudy@gmail.com पर अपने दिल की बातों को आप शेयर कर सकते हैं, मेरा मतलब पढ़ाई से संबंधित, ठीक है ना, अन्यथा मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा आपका मूड जो है सही रहे, इस वजह से मैं कुछ कोशिश करता हूँ अलग ढंग से, बाकी पढ़ाते तो सब है।
एक सवाल आपके सामने और आ चुका है, जो कि आप लोग बार बार पूछते हैं, हजार बार पूछते हैं, और आपको ये क्लास अवधेश सर आपके शेयर करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ती जाती है। तो हम तो भाई वही जानते हैं, जैसे रोगी का मन भाव है वैसे वैद्य बताव है, जो आप लोग चाहेंगे हम वही देंगे आपको। देखिए कैसे होगा, ये ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को आ रहा है वो कृपया करके माफ करेंगे हमें, लेकिन देखेंगे जरूर। देखिए आपने बोर्ड मास रूल में पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, उसके बाद ओ एफ ऑफ वाली प्रक्रिया करते हैं, इसके बाद ना डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग करते हैं। तो बस बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, तो ब्रेकट यहां पे है ना, ये भूल जाइएगा कि सबसे पहले भाग करते हैं, ना ना ना, सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, जहां भी ब्रेकट होता है उसके अंदर का मैटर सॉल्व करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। तो इसको ऐसे समझ लें कि पहले अपने घर की समस्या का समाधान करते हैं, पड़ोसी के घर का हिसाब बाद में लेते हैं। चलिए इनको हम हल करेंगे, कहीं किनारे निपटाएंगे, बाद में हल आके रखेंगे। तो मैं लिख लेता हूं 2/7 और ये धन है 1/3। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि रेड इंक आपको ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर ब्लैक में, मतलब लाल स्याही से लिखने पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है या फिर काली से, क्योंकि आप लोग जो बताते हैं ना हमारी कोशिश वही रहती है कि वैसे ही, क्यों, क्योंकि हम आपसे हैं आप हमसे नहीं। 3 × 2 ये हो जाएगा 6 और 7 × 1 = 7 और ये 7 × 3 = 21, अगर आप जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 और ये हो गया 21, 13/21 आ गया ना। इस देख लेते हैं फिर से भाई, नहीं तो एक भी गलती हो जाती तो लोग गलती पहले देखते हैं, बाकी मैं खाना खा के चिल्ला रहा हूँ कि वैसे चिल्ला रहा हूँ इसको कोई नहीं देखता है। ये 3 × 2 = 6 = 7 = 7 ठीक है, 13/21 आ रहा है, उसके पहले का सारा मैटर ऐसे उतार लेंगे जो भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नो छेड़छाड़, वैसे सीधा का सीधा ये लिख दिया मैंने, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया इसमें। और ये कोष्ठक अब नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, 13/21 बिल्कुल आगे मैदान में। अब ये अब आप समझ गए होंगे गुणा का चिन्ह है, भाग का है, दोनों में कौन पहले आता है, पहले डिवीजन यानी कि भाग आता है, मल्टीपल उसके जस्ट पीछे रहता है। तो पहले ये मैटर सॉल्व करेंगे, और कहां करेंगे, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, बस इनको सबको साइड में, रुके रहो भाई गिरो मत, इधर साइड में इनको भी लाके निपटा देते हैं। ये 2/7 है और ये 4/49 है। अरे भाई अगर मैं ना बोलूं तो क्या आप लोग लाइक नहीं करेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं अब, जो लोग हमारे इंतजार में थे ना मैं बोल दिया, जल्दी से लाइक कर दें। अगर हर दिन क्लास चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलें आगे, देखिए यहां भाग का चिन्ह लगा है तो करेंगे क्या, भाग का चिन्ह हटा देते हैं चुपके से, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन उसके बदले में इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, इसका पैर ऊपर कर देते हैं, सिर नीचे पलट देते हैं, बस इतनी इसकी खुशी होती है, और ये हो जाता है 49/4, काट पीट देते हैं, समझौता हो जाता है, ये 2 × 2 = 4 और ये 7 × 7 = 49 यानी कि 7 और 2 बच रहा है, बाकी सब खत्म। तो ये आ गया कितना, 7/2 किसकी जगह पे आया, ये इतना पूरी कहानी जो है ना इसकी जगह पे 7/2 आ गया कट पीट के, ये गुणा का चिन्ह हो गया, और ये आ गया 13/21। अभी फिर यहाँ पे एक बार जंगे मैदान होगा और ये फिर कटे पिटेंगे, कैसे, ये 7 × 7 = 7 × 3 = 21 यहाँ पे एक आया, इसको चुपके से मैं लिख देता हूँ 1/2 और ये 13/3, गुणा कर लो ना भाई ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 13 × 13 और 3 × 2 = 6, इस तरह से जो वैल्यू आई आपकी 13/5 = 6 यानी कि 13/6। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, आपने पढ़ा होगा भिन्नों का प्रकार, सम भिन्न विषम भिन्न तुल्य भिन्न मिश्रित भिन्न, है ना, अगर नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है, और अगर मैं इसको ऐसे कर देता ना तो ये सम भिन्न हो गई, दिस इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, अगर नीचे का पार्ट इसका बड़ा है तो ये लाइक है, अगर छोटा है तो अनलाइक है, क्यों, क्योंकि इसमें भाग जाएगा, भाग जाने के बाद ये मिश्रित भिन्न बन जाएगा, समझ गए ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कोई भी कंफ्यूजन है निसंकोच आप बोल सकते हैं। तो
अब आप लोग समझ गए होंगे मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाला हूं, समझ लीजिए मेरे दिल की बातें हैं, इनको सुन के तभी जाइएगा, अगर नहीं सुनेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, पक्का बता रहा हूं। देखिए जो लोग लिखना चाहते थे नहीं लिख पाए ना, वो मन ही मन हमें कुछ ना कुछ शराब या फिर अब कुछ भी दे रहे होंगे, तो उनसे मैं बता दूं कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और फिर देखिएगा, आपको उसी पर रोक लीजिएगा वीडियो और लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे मैं ये बताने वाला हूं कि अन एकेडमी हर दिन बताता हूं, तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर लास्ट में एड देते हैं, तो एड देना भी जरूरी है भाई, अरे कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए। तो ये अन एकेडमी जो है ना, इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, इसको फॉलो कर लें, इसमें हमें अकेले नहीं मिलेगा आपको भी मिलेगा। कैसे? अगर दीवार पे आप एक मुक्का मारेंगे ना तो दीवार को भी मिलेगा आपको भी मिलेगा साथ साथ, तो मैं आपको मारने को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप हमें फॉलो करेंगे अकेडमी पे, तो आपको हिंदी अंग्रेजी बाल विकास मनोविज्ञान पर्यावरण ये सभी क्लासे मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, 25 मार्च 2019 से अनएकेडमी पर लाइव क्लास शुरू होने वाली है पीबीआर स्टडी की, अनएकेडमी प्लस। आपने देखा होगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी, इस समय उस पे प्लस की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन मोड आया हुआ है अभी नया नया में, उसका मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिएगा कब जाइएगा। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी परीक्षा हो आपकी, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आरआरबी यानी कि रेलवे में आपकी बहुत सी परीक्षा है, जैसे कि एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, ग्रुप सी और आरआरसी, जो भी परीक्षाएं हैं, अगर आप आरआरबी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं रेलवे का कोर्स, तो रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी का आपको कंप्लीट कोर्स, पीडीएफ फाइल, नोट, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन यानी कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी भी लाइव होगी, आप ये सभी क्लियर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अनएकेडमी पे लेंगे सब्सक्रिप्शन तो हम ही पढ़ाएंगे, पीबीआर स्टडी की क्लास मिलेगी, जी हाँ पीबीआर स्टडी की तो मिलेगी ही, इसके अलावा भारत के जितने भी टॉप एडुकेटर हैं, क्योंकि जो अनएकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मोड है उसमें कोई आम या फिर कोई सिंपल एडुकेटर को वो उसमें नहीं रख रहे हैं, चुन चुन के चुनिंदा जो भी स्पेशल या फिर जो भी एक प्रकार से बोले फेमस एडुकेटर हैं उन्हीं को रख रहे हैं, और आप लोगों की कृपा से ना हमें भी मौका मिला हुआ है उसमें, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको सभी चैनल के, सभी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के आरआरबी के कोर्स आपको मिलेंगे, आप जिसका मर्जी उसका पढ़िए, जिसकी लाइव मर्जी उसकी लाइव देखिए, अनलिमिटेड एसेज मिलेगा आपको, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। बाकी अगर आप आरआरबी के अलावा दूसरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपका यूपीएसआई या फिर यूपीएसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का है, कोई भी परीक्षा आपकी, कोई भी परीक्षा के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर संपर्क करें, या फिर आप हमारे जो सब्सक्रिप्शन या फिर जो ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट है 94-55-63-38-37 पर संपर्क कर सकते हैं, इस पे हो सकता है आपकी हमसे ही बात हो जाए, अवधेश सर, सौरभ सर या किसी से भी बात हो सकती है, कोई भी उठाएगा फोन तो आपको जरूर बताएगा जानकारी, ठीक है ना। इसके अलावा ये नंबर भी नोट कर लीजिए, आप इस पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3-3 भी लगा सकते हैं, बाकी नंबर वही रहेगा। तो हमने बहुत कुछ बता दिया उम्मीद करते हैं, है ना, समझ में आया। मैथ को आसान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से मैथ आफान चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पीबीआर स्टडी को फॉलो कर लेंगे तो आपका उसमें भी फायदा फायदा होने वाला है। तो भाई बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, दुनिया फायदे के लिए चल रही ना, तो आप भी कुछ ना कुछ करिएगा और ये सब करेंगे ना तो इससे हमें भी फायदा होगा, तभी तो मैं चिल्ला रहा हूं, है ना, जो बात सीधी है सीधी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी के इतना सारा सहयोग के लिए और पीबीआर स्टडी के 58,000 पूरा होने पर आप सभी को एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा जिससे कि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जी हाँ वो बात मत रखिएगा कि वो पढ़ेगा तब उससे तेज हो जाएगा, अरे भाई अगर आपका पड़ोसी बड़ा होगा उसके दरवाजे पे लाइट जलेगी तो आपके दरवाजे भी लाइट आएगी, अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी ना तो उसकी आंच आपके घर में भी आएगी, आपका घर कितना भी अच्छा बना होगा लेकिन अगर पड़ोसी के घर से बदबू आ रही ना तो आपके लिए भी नुकसानदायक होगी। तो इस बातों को याद रखिएगा, अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ने दो भाई, उठाओ उसको, खींचो मत टांग पकड़ के, अबे तू कहां जा रहा है, समझ रहे ना। लेकिन इंडिया में बड़ी दुर्दशा है, लोग सोचते हैं हमारा 1 रुपए का नुकसान हो जाए ठीक है बट अगले का फायदा ना हो,
ये सोच बदलिए बाबू, आप लोग ही बदलने वाले हैं, हम लोग ही बदलेंगे तभी बदलेगा ये। तो एक बार फिर से धन्यवाद, इस क्लास को शेयर करके जाइएगा और हमारी बातों को याद करिएगा जब सोने लगिएगा तब, जिससे कि आपको अच्छे से मनन हो जाए और आप कुछ चेंजिंग लाएं। आज की क्लास लगभग काफ़ी देर तक हो चुकी है फिलहाल। थैंक यू।